हाय फ्रेंड्स, मैं अमित भारद्वाज। वीडियो देर से लाने के लिए आई एम सॉरी, क्योंकि मेरे ब्रदर की शादी थी तो मैं वहाँ पे बिजी था। पर राइट नाउ वी आर बैक विद अ बैंग। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। ये वीडियो 1 जनवरी के बाद ही पोस्ट होगी, तो मे बी बिलेटेड हैप्पी न्यू ईयर। और दुआ करता हूँ कि आप सभी का साल अच्छा जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो से। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये है बना बनाया घर है, और अभी हम खड़े हैं मनोहर में। मनोहर की हमने पहले भी वीडियोस डाली हैं, और मोस्टली जो हमारे को कॉल्स आई हैं उनकी क्वेरीज हमेशा ये रहती है। उनकी सबसे बड़ी इशू कह लो वो ये रहता है कि यार कुछ भी कर लो, मनोहर पोजेशन नहीं देता। मेरा तो 4 साल से पोजेशन रुका हुआ है, मेरा 5 साल से पोजेशन रुका हुआ है। पर अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ये ऑलरेडी बिल्ट अप होम है, और इसकी पोजेशन वगैरह ये वो सब कुछ हो चुका है। सिर्फ रजिस्ट्री ट्रांसफ़र लगेगा यहाँ पे जो भी होगा, तो आपको पोजेशन की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपको थोड़ा आइडिया दूँ यहाँ के एरिया का, तो आप एक बार घूम के देखो। ऑलमोस्ट 50% से ऊपर एरिया जो है वो बन चुका है, बसा हुआ एरिया है। आप देख रहे होंगे काफ़ी घर बन चुके हैं, और लोगों ने रहना भी स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। कुछ ऑलमोस्ट कंप्लीशन की स्टेज पे हैं। बात करें अगर कनेक्टिविटी की, तो मनोहर आप सभी को पता होगा कि अगर चंडीगढ़ के सबसे नज़दीक कोई है तो वो मनोहर है, 0 किलोमीटर फ्रॉम चंडीगढ़। तो अगर आप ऐसा घर चाह रहे हैं जो चंडीगढ़ के नज़दीक हो, ताकि आप चंडीगढ़ की कोई भी फैसिलिटी मिस ना करें, तो मनोहर इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अगर बात करें यहाँ की कनेक्टिविटी की, तो आप एक बार देखिए रोड्स रोड्स एक्चुअल में कंप्लीट हैं। सीवरेज यहाँ पे कंप्लीट है, अंडरग्राउंड वायरिंग यहाँ पे कंप्लीट है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ रोड की। ये जो आप झंडे देख रहे हो, ये जो ग्रीन ब्लू कलर के झंडे हैं, और एक वो वहाँ पे दिख रही होगी JCB चलती हुई येलो कलर में, अगर मेरा कैमरा दिखा पाए। ये रोड है जो इको सिटी और DLF के बीच में जो रोड है, 100 फीट की रोड है, ये उसी को कनेक्ट करते हुए रोड निकलेगी, जो कि डायरेक्ट चंडीगढ़ से कनेक्ट करेगी, चंडीगढ़ के मध्य मार्ग से ये कनेक्ट करेगी। दूसरी बात अगर हम करें, तो इस घर के बिल्कुल सामने से एक 100 फुट की रोड निकलेगी, जो कि वही 200 फुट की रोड में कनेक्ट करेगी। तो अगर कनेक्टिविटी की बात करी जाए, तो जो लोकेशन है इस घर की काफ़ी अच्छी लोकेशन है, कि आपको 100 फुट की रोड का एक्सेस मिल जाएगा, और थोड़ी सी दूर जाते ही हार्डली 200-300 मीटर दूर जाने के बाद आपको 200 फुट की रोड का एक्सेस मिल जाएगा। आप विद इन 2 मिनट्स आप चंडीगढ़ में होंगे, और चंडीगढ़ में मोस्टली लोगों को जो काम होता है या तो 17 सेक्टर में या PGI में अगर किसी की जॉब है, या फिर मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी या फिर 11 सेक्टर के जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे, तो यहाँ से आपको हार्डली 5 से 10 मिनट का डिस्टेंस पड़ेगा अपने किसी भी डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए। बात करें अगर इस घर की, जो अभी हम आपको जिसका ओवरव्यू दे रहे हैं, तो ये 250 गज के प्लॉट पे बना हुआ घर है। इसमें हर फ्लोर पे 3 BHK है, 3 BHK प्लस स्टोर। तो इस घर की जो बनावट है, इसको मैं विला क्यों नहीं बोल रहा, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, एक्चुअल में विला में और घर में एक ये डिफरेंस रहता है कि विला जो होता है वो हमेशा एक फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली के लिए रहता है, कि उसमें हार्डली 3 BHK 4 BHK 5 BHK ऐसा कुछ होगा, कि एक न्यूक्लियर फैमिली जो है वो उसमें आराम से रह सकती है। हाँ, अगर आप एक कनाल के विला की बात करोगे तो ऑब्वियस है उसमें आप जॉइंट फैमिली के साथ भी रह सकते हो, पर ये घर में इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये जिस हिसाब से बनाया हुआ है बिल्डर ने, वो उसका पहले जो मोटिव था वो ये था कि मैं इसको फ्लोर वाइज सेल आउट करूँगा।
अगर आप फ्लोर वाइज आते हो आप वो भी पॉसिबल है, आप वो भी ले सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप की फैमिली जॉइंट फैमिली है तो आप इसको परचेज़ कर सकते हो। ये घर आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बात करें यहाँ के डायमेंशंस की, तो 250, जैसे मैंने आपको पहले बताया 250 गज का ये प्लॉट है। तो आप लेंथ और विड्थ देखो, लेंथ और विड्थ काफ़ी अच्छी है। इसकी विड्थ की अगर हम बात करें तो 30 फीट के अराउंड इसकी विड्थ है और 72 के अराउंड इसकी लेंथ है। तो अगर साइज़ की बात करें तो काफ़ी अच्छा साइज़ है, एक हर फ्लोर पे 3 BHK आराम से बन सकता है। और यहाँ पे बना भी हुआ है, अभी हम आपको लेके चलेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि हाँ यहाँ पे एक फ्लोर पे कैसा 3 BHK बना हुआ है। बात करें अगर हमारी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की, तो आप यहाँ पे देख रहे हो जो भी काम हुआ है, जो भी मटेरियल यूज़ हुआ है वो ब्रांडेड मटेरियल ही प्रॉपरली यूज़ किया है बिल्डर ने। जिसने भी बनाया है उसने ऑलमोस्ट अपने घर के रहने लायक ही बनाया था, पर कुछ हैं उसकी भी नीड्स कि वो बेचना चाह रहे हैं अभी इसको। तो अभी अगर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करें तो मैं इस वीडियो के लास्ट में पिक्चर्स भी इंक्लूड कर दूंगा, जो भी हमने हमारा इसमें मटेरियल यूज़ हुआ है, जो भी बिल्डर ने मटेरियल यूज़ किया है उन सब की स्नैप्स हैं हमारे पास। तो मैं वीडियो के एंड में उनको ज़रूर इंक्लूड करूँगा ताकि आपको श्योरिटी मिले कि मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रहा, एक्चुअल में यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में मटेरियल यूज़ हुआ है वो अच्छी क्वालिटी का हुआ है। जैसे ACC की सीमेंट है, सिंटेक्स की यहाँ पे वो लगी हुई हैं, टैंकियाँ लगी हुई हैं आपको दिख रही होंगी, जैगवार की यहाँ पे फिटिंग्स हैं सारी। तो उन सभी की मैं वीडियो के एंड में उन सभी की इमेजेस जो हैं वो इंक्लूड कर दूंगा। तो अभी हम चलते हैं अपने एक्चुअल में मैं आपको पहले ही बता दूं कि यहाँ पे 3 फ्लोर बने हुए हैं और तीनों फ्लोर सेम हैं। तो हम 3 फ्लोर दिखा के आपको बोर नहीं करना चाहेंगे, तो आपको एक ही फ्लोर दिखाएंगे ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कैसा बना हुआ है हर फ्लोर। तीनों के तीनों फ्लोर सेम बने हुए हैं। तो अभी हम चलते हैं आपको लेके अपने फर्स्ट फ्लोर पे। अगर हम बात करें स्टेयर्स की, तो आप देख सकते हैं सारे स्टेयर्स पे ग्रेनाइट का ही काम है। और स्टेयर्स की आप विड्थ देखो, अराउंड 4 फुट की विड्थ है। तो अगर आपका कोई भी वाइड सामान है, कुछ भी है, चौड़ा सामान है, तो इजीली आप इसको ऊपर नीचे ले जा सकते हो। तो जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि ये 250 गज का प्लॉट है और इसके हर फ्लोर पे 3 BHK प्लस स्टोर बना हुआ है। तो अगर हम बात करें एंट्रेंस की, तो ये इसकी एंट्रेंस है और ये इसका लॉबी एरिया है। यहाँ पे आप 7-सीटर सोफ़ा फिट इन कर सकते हो। साथ में अगर आप विंडो देख रहे हो तो विंडो देखो, काफ़ी बड़ी है, विंडो है यहाँ पे, और लाइट सोर्स काफ़ी अच्छा है इस रूम के लिए, लाइट सोर्स काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे 7-सीटर सोफ़ा आप लगा सकते हो। और ये आ जाती है हमारी किचन। किचन देखो आप कितनी बड़ी है, 4, 8, 12, 15, 15.5 फुट के आसपास की किचन है। 4, 6, 8, 15 बाय 8 के साइज़ की किचन है ये। ऑब्वियसली ये जो भी अभी आप देख रहे हो ये फर्निश्ड नहीं है, तो अभी काम चल रहा है। ये आपको जो घर मिलेगा वो फिनिश होके ही मिलेगा, अभी पूरा फिनिश नहीं है। आप ये देखो जो हमारा किचन टॉप है वो भी ग्रेनाइट है, ब्लैक ग्रेनाइट है। यहाँ तक टाइल्स हैं। इसके ऊपर ऑब्वियसली आपको जो किचन कैबिनेट्स हैं वो मिलेंगी, यहाँ पे सारा किचन कैबिनेट्स वाला वर्क होगा। ये आपका लाइट सोर्स है किचन के लिए। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपके घर में कोई भी अगर एंटर होता है तो आपको यहीं से दिख जाएगा कि हाँ हमारे घर में कोई भी एंटर हो रहा है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। बात करें हम अपनी जो हमारा हॉल एरिया था उससे कनेक्टेड की, तो ये हमारी लॉबी है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो आप
आराम से एक सिक्स सीटर, एक छोटी न्यूक्लियर फैमिली के लिए जो सिक्स सीटर डाइनिंग टेबल होता है वो आराम से यहाँ पे आ सकता है। और ये एक एरिया है, ये काफ़ी बड़ा एरिया है, 2x6 6 फीट बाय 4 फीट का एरिया है ये। इसको आप पूजा रूम टाइप बना सकते हो, काफ़ी बड़ा एरिया है। मोस्टली लोगों के घर में पूजा रूम वही कपबोर्ड में बना के रख देते हैं कि हाँ जी कपबोर्ड में बना दिया, पर यहाँ पे आप अपने हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से उसको डिज़ाइन कर सकते हो। बात करें अगर हर घर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है स्टोर की, तो यहाँ पे आपको स्टोर भी मिल रहा है। 4x5 2 4 6 8 8 बाय 5 फीट का यहाँ पे स्टोर है, ये भी आपको मिल रहा है। ये हमारा पूजा रूम हो गया। चलिए हम चलते हैं अपने बेडरूम्स की तरफ। हाँ, सबसे पहले ये जो हमारा वॉशरूम है, ये जो वॉशरूम है ये कॉमन वॉशरूम है लॉबी एरिया के लिए और आपके गेस्ट रूम के लिए। ये हमारा फर्स्ट रूम है जिसको हम गेस्ट रूम भी बोल सकते हैं, और आप इसकी लेंथ देख सकते हो, और 4x8 9 9.5 फुट के आसपास इसकी विड्थ है। और ये है इसके साथ कनेक्टेड बालकनी। चार 4.5 फुट के आसपास यहाँ से जो इसकी सबसे मिनिमम विड्थ है वो इसकी 4.5 फीट के आसपास है, 4 फीट के आसपास। और यहाँ पे आके तो ये और भी वाइड हो जाती है, तो अगर सर्दियों में आपने धूप सेकनी है तो आप मस्त यहाँ पे बैठ सकते हो आपके बालकनी में। वायरिंग वगैरह है, सारे काम हो चुके हैं वायरिंग का, जो फॉल सीलिंग वगैरह और पीओपी का काम है वो चल रहा है अभी यहाँ पे। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड रूम की तरफ। ये है हमारा सेकंड रूम, और सेम आप देख सकते हो 9.5 फीट से ऊपर की, यहाँ पे 10 फीट के आसपास इसकी विड्थ है, और आप लेंथ तो इसकी देख ही सकते हो, 1 2 3 4 8 8 2 16 17 17 बाय 10 फीट के आसपास इसकी लेंथ और विड्थ है। सेम आप इसके साथ ये कनेक्टेड बालकनी है। और ये है हमारा मास्टर बेडरूम जिसकी 17x12 फीट की डायमेंशंस हैं। सेम जो बालकनी हमने पहले दिखाई थी वही बालकनी इस रूम के साथ भी कनेक्ट होती है, और आप देखोगे कि हर रूम के साथ एक काफ़ी बड़ी विंडो दी हुई है जिससे आपको लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। नेचुरल लाइट आपके रूम में हमेशा रहेगी जब तक सूरज है तब तक। और ये देखो आप दो पल्ले की यहाँ पे चौखाट है, तो सिर्फ लाइट सोर्स नहीं, आपको यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जाली का पल्ला मिलेगा जिससे आपको वेंटिलेशन भी मिलेगी। ऑब्वियस है कि यहाँ पे भी आपको दोनों मिलेंगे, जाली वाला दरवाज़ा भी मिलेगा और लकड़ी वाला भी जो मेन डोर रहता है, लेकिन आपको प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए दोनों चीज़ें यहाँ पर दी जाएंगी। आप देख रहे हो फिटिंग सारी हो चुकी है, एसी का प्रोविज़न भी आपको दिया हुआ है यहाँ पे, तो आपको कोई तोड़ फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे जैसे देख सकते हो आप कि दोनों तरफ यहाँ पे लाइट पॉइंट दिए हुए हैं, तो आपका बेड इस एरिया के बीच में आएगा और दोनों साइड स्टूल में आप आराम से कोई भी चीज़ रख सकते हो। कि यहाँ पे आपको वॉक इन क्लोज़ेट टाइप एक जगह दी जाएगी जहाँ पे जो कि आप एज अ छोटा मोटा चेंजिंग रूम भी यूज़ कर सकते हो, कि अगर आपको कोई कपड़ा लेना है या फिर चेंज करना है तो आप वो यहीं पे कर सकते हो। और ये है आपका वॉशरूम। वॉशरूम में भी यहाँ पे आपको काफ़ी लाइट के लिए काफ़ी अच्छा सोर्स दिया हुआ है, ऊपर आपका एग्जॉस्ट फैन लग जाएगा, गीज़र की फिटिंग्स सब कुछ ऑलमोस्ट सारा क्लियर है। जो आपकी सैनिटरी रहेगी वो ब्रांडेड रहेगी जैगवार की, तो सब कुछ यहाँ पे आपको A1 क्वालिटी का मिलने वाला है।
तो ये हमारा एक छोटा सा ट्राई था आपको इस घर की एक इस घर का एक ओवरव्यू देने के लिए देने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ऑब्वियसली आप इसको लाइक कर सकते हो, शेयर सब्सक्राइब तो आप चैनल को करते नहीं हो, मेरे को पता है, पता नहीं क्यों नहीं करते, कर दो यार। जो हमारी छत है उसका डिज़ाइन देखो कितना एलिगेंट और वो कितना सिंपल मिनिमल डिज़ाइन रखा हुआ है, ताकि आप उसको देख के बोर ना हो जाओ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारी जो हम फॉल सीलिंग लगाते हैं और डिज़ाइनर बना के उसको घुमा फिरा के जो लहरें बना देते हैं उसमें अपनी छत में, उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि वो देखने में तो बहुत अच्छी लगती है स्टार्टिंग में, लेकिन जब हम उसको यूज़ करते हैं, वहाँ उस घर में रहते हैं, उस रूम में रहते हैं, तो वहाँ पर जो डस्ट हो जाती है ना वो नहीं साफ़ होती। तो यहाँ पे काफ़ी मिनिमल रखा हुआ है, आप आराम से जो भी आपका साफ़ सफाई करने वाला जो भी चीज़ है आप उससे यहाँ पे आराम से सफाई रख सकते हो, और इसमें छिपकलियाँ भी नहीं घुसेंगी, उसमें छिपकलियाँ घुस गई ना वो निकलती नहीं। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं इसकी एंट्री पे, जो हमारा घर है उसकी एंट्री पे। एक बार आप एलिवेशन देखो इसकी, ये कैसा दिखने वाला बाहर से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये 250 गज के प्लॉट पे बना हुआ है, तो अगर आप पार्किंग स्पेस की बात करो तो यहाँ पे 3 से 4 गाड़ियाँ आराम से पार्क हो सकती हैं। जो ग्राउंड फ्लोर है यहाँ से लेके और आगे तक आपकी गाड़ियाँ आराम से पार्क हो सकती है, और आपको सड़क पे खड़ी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी गाड़ियों को। हर किसी का ये रहता है कि यार मेरी गाड़ी सड़क पे खड़ी है कोई स्क्रैच मार जाएगा, पर नहीं, यहाँ पे आराम से 4 गाड़ियाँ आपकी आपके घर के सामने विदाउट रोड को टच किए हुए आराम से खड़ी हो जाएंगी। बात करें अगर हम यहाँ की इसकी प्राइसिंग की, तो इसका प्राइस है 3.5 CR, 3.5 करोड़ रुपये। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत नेगोशिएट हो जाएगा, पर जो अभी की प्राइसिंग रखी हुई है वो है 3.5 करोड़ रुपये। तो इस घर से रिलेटेड कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो आप 9988009910 पर कॉल करके मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी इन्वेंट्रीज लेके आते रहें। थैंक यू।